తర్వాత కెమెరా ముందు చిరంజీవి, చాలా రోజుల తర్వాత కొంతమంది ఎదిగేవాడును. మేరే జీవన్ బహు సారి ఐసీ ఘటనాయే హీ कि जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता. मैं आज जब ट्रेन में आ रहा था तो मैंने दत्तू भैया से पूछा कि भाई हम कितने लोग आ रहे हैं बड़ौदा को. उन्होंने कुछ कहा ऐसे 100 लोग आ रहे हैं. मैं बोले 100 लोग आ रहे हैं? हाँ 100 लोग आ रहे हैं. अरे आप वशिष्ठ जी को वहां सबके आयोजकों को तकलीफ देते, वहां जाकर अपने बड़ौदा में अपने 100 लोग जाएंगे उनको तकलीफ हो जाएगी. पहले वहां आयोजक कितने कम होंगे, हम इतने लोग जा रहे हैं कैसा होगा, ऐसा मैं बता रहा था. और बातों बातों में हमारे लोगों से कहा, मैं अभी तीन चार बार आया गुजरात को, अपने ही लोग होते हैं वहां, हम उतने ही लोगों से स्वागत करते हैं. लेकिन आज जो वशिष्ठ जी की महिमा को देख रहा हूं, पंडाल बड़ा हुआ है. तो मैं जिस संख्या को मैंने ट्रेन में बताया उस संख्या से दुगनी तिगनी, वो भी गुजरात बड़ौदा जैसे शहर में मैंने देखा, तो गुरु महिमा याद आई. कहने लगा कि जिस अनिल कुमार जोशी को कोई पहचानता ही था, जो अकेला चल रहा था, आज उसको विश्वास हो गया कि उसके पीछे हजारों लोग हैं जो निखिल चेतना केंद्र का परचम लेकर आगे बढ़ेंगे. मैं परम पुण्य सतगुरुदेव जी की कृपा से पहली बार जब हैदराबाद में, मैं 1982 की बात कर रहा हूं, 82 में पहली बार गुरु जी का पुस्तक लेके पढ़कर कौन, मैं और मेरी पत्नी दोनों ने मिलकर साधनाएं करते थे. बाद में उस पुस्तकों का ज्ञान अपने बगल वाले लोगों को दिया करते थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना. लोग आते गए. मुझे याद है 1986 में हमने शिवरात्रि हमारे घर में मनाई थी, तो हम कुल मिलाकर उस दिन शिवरात्रि में 11 से 12 लोग थे और कम से कम 2000 बिलोपत्रों के साथ गुरु जी के घटनानुसार शिवरात्रि हमने मनाई थी. तो बाद में बढ़ते गया, 92 आया, 93 आया, शिवरात्रि बढ़ती गई, 11 से 21 हुए, 21 से 100 हुए,
सौ से हजार हुए, हजार से ऐसी जगह शिवरात्रि मैंने ऐसे जंगलों में भी बनाई जहाँ आज भी बाघ पानी पीते हैं। श्रीशैलम का जंगल ऐसा जंगल है जहाँ बाघ पानी पीते, जहाँ कोई जाने के लिए भी डरता है, ऐसी जगह भी मैंने शिवरात्रि मनाई और ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना भी की। और वहां भी मैंने इन और जैसे हजार लोगों को वहां साधकों को साधना करना है, साधना करने ले गया। उन्होंने कहा अगर एक छोटी सी माचिस की डिबिया हम भूल जाते हैं तो कम से कम 20 किलोमीटर जाना पड़ता था उस डिबिया को लाने के लिए। ऐसी जगह ऐसी जंगल में हमने शिवरात्रि मनाई और वहां भी हमने उस अन्नपूर्णा सिद्धि से कहो या कुछ कहो मिठाई वाला खाना खाया उस जंगल में भी। और चाहे बाघों को भी हमारे जाने वाले मिठाई वाला खाना मिला होगा, वहां के पशु पक्षियों को भी। ये प्रभु जी सत्यदेव जी की कृपा है कि हम ऐसी जगह नहीं कि जहाँ सांस लेने की भी तकलीफ होती थी, जहाँ मार्ग चलने के लिए भी तकलीफ होती थी, ऐसी जगह भी शिवरात्रि हमने की और ऐसी जगह मैंने शिवलिंग की स्थापना की। और तब से आज तक शिवरात्रि मैं ऐसे दिव्य स्थानों पर मनाते हुए आया हूँ जहाँ प्रभु राम या प्रभु कृष्ण, जिन लोगों ने शिवलिंग की स्थापना या किसी ऋषि ने स्थापना की हो और वहाँ फिर कोई न जाता हो, ऐसी जगह फिर वहीं शिवरात्रि करते हुए उसका उद्धार करने या उसको देखने या वो उस भगवान के बुलाकर या गुरु जी के कथनानुसार गुरु जी के आज्ञानुसार मैं वहाँ गया और मैंने शिवलिंगों की स्थापना की। जो वशिष्ठ जी ने पहली बार कहा कि गुरु जी आपका जन्मदिन अगली बार भी गुजरात में ही मनाना है, तो मैंने तो हाँ तो कर लिया लेकिन मुझे ये लगा कि कहाँ मनाएंगे। इस बार देखा तो मेरा जन्मदिन और शिवरात्रि एक ही समय आ रहे हैं, शिवरात्रि कहाँ मनाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने एक बार कहा था कि उत्कंठेश्वर महादेव जी के पास प्रभु जी सद्गुरुदेव जी ने कोई 20-25 साल पहले वहां भी शिविर मनाया था। मैंने कहा वशिष्ठ जी वहां अगर हम शिविर मनाते हैं तो ठीक रहेगा। उन्होंने झट के साथ कह दिया कि हाँ वहां बनाए। उसके साथ साथ अम्बा शक्तिपीठ के बारे में भी मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि हम ऐसी जगहों पर जहाँ शक्ति चलित होती है, शक्ति चैतन्यवान होती है, उस चैतन्यता को हम ग्रहण कर सके ऐसी जगह साधनाएं बनाए। और मैंने कहा कि क्या अम्बा शक्तिपीठ का दर्शन हम ले सकते हैं, वहां चंडी हवन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वहां भी जा सकते हैं। और इस प्रकार यह कार्यक्रम बना जो आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। जीवन में प्रभु जी सद्गुरुदेव जी के उस मशाल को या उस चेतना को लेकर चल रहा था, तब कभी नहीं लगा कि मैं भारत के इतने बड़े स्थानों से गुजरता चला जाऊंगा या निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करूंगा या निखिल धाम को बांधूंगा या निखिल चेतना केंद्र के साथ साथ इतने लोगों को लेकर चलूंगा। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे दिन मैंने देखे हैं, लोग आए लोग चले गए, लोग कितने ही बिगड़े आए अच्छे आए, लोग मेरे साथ रहे लोग मेरे साथ गए भी, लेकिन मेरा एक ही चिंतन है कि मैं जिस मार्ग को गुरुजी ने बताया उस मार्ग को लेकर मैं आगे चलूं। मैं आप एक बात आपको जरूर कहता हूं, मैंने बहुत से आचार्यों से मिला हूं, योगियों से मिला हूं, परमहंसों से मिला हूं, महात्माओं से मिला हूं, लेकिन आज तक किसी को भी एक बात कहते हुए नहीं देखा कि मैं परमहंस कैसे बनाऊं या मैं योगी कैसे बनाऊं या मैं आचार्य कैसे बनाऊं। मैंने ये विद्या की या साधना करके मैं बनाऊं ऐसा किसी आचार्य ने नहीं कहा, वो आज से किसी ने नहीं बताया। एक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ऐसे ही थे जिन्होंने अपने जीवन की डायरी हमारे सामने खोल कर रख दी और कहा कि ये साधना करके मैं बढ़ा हूं और ये साधना करो आप भी बढ़ेंगे, आप भी देवता बनेंगे। गुरु जी का कथन था बार बार कि मैं रामायण या भगवत या महाभारत नहीं सुनाता, मैं राम और कृष्ण बनने की प्रक्रिया करवाता हूं, मैं राम किस तरह बना जाता है वनवास में अन्न के साथ अनुभव करेंगे ये प्रक्रिया सिखाता हूं, मैं देवता बनाने की प्रक्रिया मैं ऋषि बनाने की प्रक्रिया करता हूं और वो साधना के मार्ग से साध्य है, ये गुरु जी का कथन था। और उनके उस कथन को लेकर मैं हैदराबाद से जो निकला आज मैं उस केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम से लेकर कन्याकुमारी तक भी और इधर गुजरात से लेकर कलकत्ता तक भी उड़ीसा तक भी मैं सारे धामों में गया, बिहार सभी जगह शिविर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु भाई हूँ, लेकिन उस गुरु जी की चेतना लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप अगर मुझे गुरु कहते हैं या गुरु भाई कहते हैं ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो गुरु की चेतना गुरु का मशाल लेकर आगे चल रहा हूँ। आप मेरे साथ आए तो गुरु भाई बनकर आए या गुरु शिष्य बनकर आए या गुरु बनकर आए, मैं कभी अपने आप को गुरु नहीं बताया। मुझे मेरा एक ही लक्ष्य है स्वामी कृष्ण राम का चिंतन सारे भारत में नहीं सारे संसार में।
स्वामी निर्देशान जी को सारा संसार पहचाने, उनकी ऊर्जा को, उनकी गरिमा को, उनके चिंतन को सारा संसार पहचाने। मैं भी एक ऐसे ही सामान्य जीवन से आगे आने वाला हूं। मैं कोई करोड़पति का बाप नहीं, मैं कोई बड़े आदमी का बेटा नहीं। मैंने एक सामान्य जीवन बिताया है। मैं सामान्यता को जानता हूं, आदमी के उस दुख को जानता हूं जिसके पास पैसा नहीं होता, आदमी के उस कष्ट को जानता हूं जो एक एक पैसा कैसे जोड़ता है। आज कहीं किसी साधु किसी मंदिर में हम जाते हैं तो हमें साधना करने के लिए समय नहीं होता। हमें सिर्फ किसी मंदिर में जाते हैं तो नारियल फोड़ो, नैवेद्य चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और वापस आ जाओ। आपको कोई दो मिनट बैठने नहीं देगा, कहेगा टिकट है चलो भाई, पुजारी कहेगा समय हो गया है मंदिर बंद करना है चले जाओ, दूसरा कहेगा कि लाइन में लोग आ रहे हैं आप चले जाओ। हम हमारे जीवन में साधना करें तो कहां करें? नदी किनारे नहीं कर सकते, लोग उठा देते हैं। जंगल में जाकर साधना नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में आजकल आतंकवादियों का, हमारे पास नक्सलियों का, इन सभी लोगों का हुआ है। आप अकेले अगर जंगल में जाते हैं तो वहां पकड़ लेता है। मंदिर में हम दास साधना नहीं कर सकते, न कोई ऐसा साधना स्थली है, जहां भी जाओ आपको पैसा पूछा जाता है, आप एक जगह रहो। तो मनुष्य का क्या गरीब साधना नहीं कर सकता? गरीब के लिए कोई स्थान नहीं साधना करने के लिए। और तुम घर में साधना कर रहे हो तो आजकल का संसार ऐसा है, अगर आप मंत्र तंत्र ज्ञान की पुस्तक आपके पास रख रहे हो तो आपको तांत्रिक कहते हैं। पता नहीं तांत्रिक और मांत्रिक को किसे तांत्रिक कहते हैं। स्वतंत्रता कहना गलत नहीं है लेकिन तांत्रिक कहना गलत है। स्वतंत्रता का मतलब स्व का विधान, तंत्र का मतलब करना त्रायण की चिंता, तुम्हारी तुम रक्षा कर लो, इसके विधान को तंत्र कहा गया है। मनना त्रायण की मंत्र है, तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने को, मन की रक्षा करने वाले को मंत्र कहा गया है। यरना प्राण की यंत्र है, धातु को जो अपने साथ कुछ भी हो, आपकी कितनी भी शक्ति हो लेकिन आगे वाले के पास अगर तलवार हो, लकड़ी हो तो उसके साथ वो दो से मार सकता है, तो वो उसने एक सहारा लिया है, उसे यंत्र कहा गया है। अगर आपके साथ यंत्र हो, एक साधक, एक साधना हो, आपके पास कहने की शक्ति हो और आप में ऊर्जा हो, आपकी शक्ति हो, तन्ना प्राण की यंत्र है। तन का मतलब होता है आपकी शक्ति, मंत्र का मतलब होता है आपकी वाक शक्ति, और यंत्र का मतलब होता है आग में हाथ के हाथ की लाठी। अगर ये तीनों भी आपके साथ में हो तो आगे वाला आपसे डरेगा। इसे ही मंत्र तंत्र यंत्र कहा गया। ये कोई ऐसी गलत भाषा नहीं है, यह क्षुद्र विद्या नहीं है। विद्या कोई क्षुद्र नहीं होती, विद्या कोई गलत नहीं होती, अपना उपयोग गलत होता है। जैसा हम अगर कहें कि आपको भिंडी या तरकारी काटने के लिए चाकू दिया गया है लेकिन उस चाकू से लेकर अगर आप किसी को भोंक देते हो तो क्या चाकू की गलती है? नहीं। यंत्र मंत्र तंत्र में वशीकरण है, मोहन विद्या है, मोहिनी विद्या, ये सब ये सारी विद्या है। किस लिए है? आप घर के बड़े हो, राजा हो, महान हो, आपके घर में कलह चल रहा है, बीवी और बच्चे पुत्र आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी आपस में झगड़ लेते हैं, अनाकरण मारामारी करते हैं, तब अगर आपके पिता के पास या आपकी उस माता के पास वशीकरण विद्या है तो वो पुत्र आपके आपकी बात सुनेंगे, आपकी तरह चलेंगे। उस विद्या को उसका उपयोग करना चाहिए, बल्कि नहीं कि बाजू वाली के पास लैटिंग मारते हुए वशीकरण करो, वो गलत है। विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ साधक बैठे हुए थे, साधक सारिकाएं थी। मैंने एक प्रश्न पूछा, हम कहां जा रहे हैं आपको पता है? तो सब लोगों ने कहा हमें पता है। कहां जा रहे हैं? अंबा शक्तिपीठ जा रहे हैं, अंबाजी का शक्तिपीठ है, भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ, वहां जा रहे हैं। बोलो मैं वहां का वहां क्या है? तो उन्होंने कहा माँ का हृदय पड़ा हुआ है, माँ का हृदय जैसे सती के अंग पड़े वैसा वहां सती का हृदय पड़ा हुआ है। तो फिर बोलो आप सब लोग एक बार माँ के हृदय के बारे में बताओ, ऐसा मैंने उससे पीछे पूछा। सभी लोग माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है, सभी लोगों का नॉर्मल था, माँ का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, वो तो आशीर्वाद देने वाली होती है, वो अपने बच्चों को पालने वाली होती है, यही सभी उनका उत्तर था। लेकिन मैं उसका उत्तर मैं आपको बताता हूं, वो महान, वो माँ नहीं थी, वो सती थी, और उसका हृदय कोमल नहीं था, संतप्त था। तप्त हो गई थी वो अपने पिता के उस कहने पर कि उनके पति का अपमान हो रहा था। वो संतप्त हृदय वाली माँ का हृदय जहां पड़ा वो अब्बा थी, वहां वो अम्बा का हृदय है। अपने पिता का निराकरण करे कि अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकते हुए ऐसा हृदय पड़ा हुआ है उस अम्बा शक्तिपीठ में। तो उसकी शक्ति के बारे में अगर हम जाने तो माँ के हृदय से भी महान। वो संतप्त हृदय है जिस हृदय में ये जलन थी कि मेरे पति का अपमान हुआ है, और वैसा हृदय जब उसने सती ने अपना शरीर उस यज्ञ कुंड में डाला और उस शरीर को लेकर शिव गए और उसका हृदय पड़ा, तो हृदय कोमल हृदय नहीं है,
वो हृदय है संतप्त हृदय है, अपमान को ना सहन करने वाला हृदय है, ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला जो सारे देवताओं को इकट्ठा करके हुए एक ही बार में एक फूट में हटा देने वाला ऐसी शक्ति है वो, ऐसी शक्ति है अम्बा अम्बा शक्ति पीठ की। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि गुरु जी कौन सी साधना है, तो मैंने कहा सर्व देवी देवता प्रत्यक्ष साधना शिविर है ये। ये बात मैंने क्यों कही कि माँ का संतप्त हृदय है, वहां अगर माँ के हृदय को जागृत कर दो तो देवता है तो आएंगे आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा, लेकिन उस हृदय को चैतन्यवान करने की प्रक्रिया आनी चाहिए, उस हृदय को जगाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। किस तरह जगाते हैं उस हृदय को, क्या वो माँ का हृदय था या अम्मा का सती का हृदय था, सती के हृदय में और माँ के हृदय में क्या भेद होता है, किस तरह उस हृदय की पूजा की जाती है, कुछ तरह उस अम्बा को जागृत किया जाता है। सती में ऐसी कौन सी देवताएं थे जो सारे देवताओं को मिलाकर रख सकी, दक्ष प्रजापति जैसे पिता का सर कट गया, देवताएं भाग खड़े हुए, ऋषि जिधर उधर भागने लगे जो वीरभद्र आया शिव जी की जटा से, जिसने पूरे संसार में हलचल मचा दिया था, ऐसा हृदय पड़ा हुआ है वहां। और उस हृदय को एक बार चेतना दो तो दो सारे भारत को या गुजरात सारे भारत को हिला देने की शक्ति रखता है उस अम्बा के हृदय, सारे संसार को हिला देने की शक्ति रखता है, लेकिन हम उस शक्ति को जागृत कर सके या उस शक्ति को चैतन्यवान बना सके या उस शक्ति से ये शक्ति ले सके कि हम अपमान नहीं सहन करेंगे, हम मान से जिएंगे, और ये मान से जीने की प्रक्रिया इस हृदय से प्राप्त होती है जो यहां से देखा हृदय पड़ा हुआ है। इस विद्या को, इस साधना को संपन्न करने के लिए मैं वहां कल जा रहा हूं। वो साधना क्या है, उस साधना को जागृत करने से, उस हृदय को जागृत करने पर किस तरह देवी देवता आते हैं, देवी देवताओं को आना ही पड़ेगा, माँ के बुलाने पर बेटा आएगा या नहीं आएगा ये बात अलग है, लेकिन वहां के हृदय पर अगर वो चिंकार तो एक बार पुकारेगी तो सारे देवता आकर खड़े हो जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, कहेंगे कि तुम जिस हृदय को चेतना प्रदान कर रहे हो वहां किसी की बस की बात नहीं होगी, वहां शिवजी भी आएंगे, भगवान विष्णु भी आएंगे, हम उस हृदय को किस तरह चेतना दे सकते हैं, यह प्रक्रिया हमें सीखनी चाहिए, गुरु जी से यह प्रक्रिया सीखनी चाहिए। वह अपमान सहने वाला हृदय नहीं है, वो मां की वो शक्ति है जिसे मान चाहिए, जिसे अपने पति का, अपने देश का, अपने भवितव्य का, अपने घर का गौरव चाहिए, अपने गौरव का मान के लिए सती ने अपना हृदय वहां दिया था, वो संतप्त हृदय वहां पड़ा हुआ। हम उस हृदय को किस तरह चेतना प्रदान कर सकते हैं, किस तरह साधना कर सकते हैं हम वहां, वह साधना जिसके बारे में गुरु जी ने कहा था कि वहां अम्बा शक्तिपीठ में सारे देवताओं ने अपने अपने हृदय भी वहीं रखे हुए हैं। हृदय का अर्थ होता है उनका उनके उनके मन की प्रक्रियाएं, उनका चिंतन कि कहीं मां चैतन्यवान ना हो जाए और सारे संसार को भुला देने की शक्ति ना करें। वहां ऐसे रत्न हैं जो भगवान अपने सारे किरीटों को वहां रखकर छोड़ के भाग गए और मां से प्रार्थना किया था, अम्बा सती जी से प्रार्थना किया था कि आप शांत हो जाओ, आपका संतप्त हृदय शांत हो तो हम सब लोग जी सकते हैं, नहीं तो नहीं सारे देवता भी भाग खड़े हो जाएंगे। उसको चेतना प्रदान करना, उसकी चेतना लेना, उस शक्ति को जागृत करना और उस शक्ति का आह्वान करने से हम सारे देवताओं की शक्ति हमारे में आह्वानित कर सकते हैं। ऐसा शक्तिपीठ है अम्बा का, उस वह शक्तिपीठ जिसे जहां माँ का सती का हृदय पड़ा हुआ, ऐसी साधना ही कल मैं करवाने जा रहा हूं जहां वहां करना चाहिए। मैं इन क्षेत्रों को क्यों चुनता हूं, उस क्षेत्र के बारे में क्यों जानना चाहता हूं, उत्कंठेश्वर महादेव जी हो या फिर अम्बा शक्तिपीठ हो या माउंट अबू हो, जिसे माउंट अबू कहे या अरावली पर्वत कहे जो हमारे कृष्ण के जमाने से आ रहे हैं। आज अगर हम कहें वशिष्ठ जी मथुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक बार पूछा था गुरु जी मेरा कुल देवत क्या है, हमारा कुलदेवत क्या है, वशिष्ठ जी ने पूछा था मुझे, वे वैष्णव है, तो मैंने कहा उन्होंने ये बात में बताई कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार अंबाजी के पास हुआ था और मुंडन संस्कार केवल वहीं होता है जहां उसकी कुलदेवता होती है और माँ अंबाजी उनकी कुलदेवता है, भगवान कृष्ण की कुलदेवता है, तो वशिष्ठ जी की भी कुलदेवता है, सारे वैष्णव की कुलदेवता है माँ अंबा, और वहां कुलदेवता जब है तो मथुरा और द्वारका दोनों अगर बसे हैं वहां, जो श्री कृष्ण जैसे यशोदानंद हो या वसुदेव देव की जो मुंडन संस्कार वहां हुआ तो भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ, तो वो कुलदेवता उन वैष्णवों की है जिन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की है। तो ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो या सारे सप्तऋषि सप्त महर्षि हो जहां पर नतमस्तक होते हैं और अपने शरीर को जागृत करने की शक्ति चाहते हैं, अगर आपको पता है
तो भगवान दत्तात्रेय जी हो या दत्तात्रेय जी की माता अनुसुईया हो, उन्होंने महासाधनाएं संपन्न की। भगवान श्री कृष्ण तो साधना संपन्न थे ही, मां रेणुका के पुत्र परशुराम जी ने भी वहां साधना संपन्न की और शक्ति प्राप्त की। भगवान श्री गणेश जी ने भी वहां साधना संपन्न की थी। ऐसे स्थान आज भी उन पर्वतों में मिलते हैं, ऐसा गुरु जी ने कहा है। हम उन स्थान पर अगर उस विशिष्ट मंत्र का सती अम्बा का मैंने जैसे कहा, अगर हम सती माता के हृदय को वहां माँ की पुकार करें तो वह कोमल हृदय नहीं है, वो आपकी पुकार नहीं सुनेगी। वह संतप्त हृदय वाली माँ है। वो संतप्त हृदय को किस तरह तृप्त किया जाता है और किस तरह शिव जी ने और भगवान विष्णु ने वहां उनकी स्थापना की थी और कौन सी ऐसी शक्ति थी जो हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम उस ऊर्जा को शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी साधना ऐसा मंत्र कौन सा है। भगवान परशुराम जी ने भी महाकाल संहिता में कहा गया है कि वहां अम्बा शक्तिपीठ में कौन सा मंत्र करने से मनुष्य ऊर्जावान होता है। दश महाविद्याओं को केवल अम्बा शक्तिपीठ में एक बार की साधना करने से हम उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और वो केवल जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन अम्बा शक्तिपीठ में बैठा हुआ व्यक्तित्व सुबह से शाम तक बैठकर उस केवल एक मंत्र की साधना करता है तो दश महाविद्याओं को दर्शन प्राप्त कर सकता है। वह मंत्र कौन सा है, वह मंत्र किस तरह उसकी साधना की जाती है, कौन सी साधना से हम इन दश महाविद्याओं के बारे में जो गुरु जी कहा करते थे आपको अगर पता होगा। अभी जैसे पंड्या जी आए थे, अगर उनको पता है तो गुरु जी जोधपुर से निकले हुए सारे जितने भी शिविर पहले उन्होंने शिविर करने की पहली पहल आरंभ की तो वो गुजरात से आरंभ किया और वो भी अम्बा शक्तिपीठ से। गुजरात में ही गुरु जी के शिविर हुए, गुजरात के साधक गुरु जी को अच्छी तरह पहचान। मैं बहुत बाद वाला एक गुम हूं जो उनकी उस चेतना को लेकर आगे आगे बढ़ते हुए आ रहा हूं, लेकिन वो चेतना पहले ही जागरूक है यहां पर पूज्य सतगुरुदेव जी। ये बात अलग है, जैसा पंडित जी ने अभी बताया कि संसार में बहुत से लोग केवल गुरु से जुड़ते हैं तो पैसों के लिए या अपने काम के लिए या अपनी समस्या के लिए, यह जुड़ना नहीं होता। जैसे हम एक पेड़ के पास जाते हैं, आम लगे हैं तो उस पेड़ के पास टहलते रहते हैं और आम तोड़ लेते हैं, आम तोड़ लेके फिर चले जाते हैं, उस पेड़ को देखते तक नहीं। यह प्रक्रिया है हमारी, थोड़े लोगों को आम मिलेंगे थोड़े लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन उस वृक्ष की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उस वृक्ष को देखने वाला कोई नहीं, यह कहने वाला नहीं कि हमने उस वृक्ष से आम तोड़ा है। मेरे गुरु जी भी उसी तरह है, उससे समस्या का समाधान हुआ चले गए, समस्या का समाधान नहीं हुआ फिर भी चले गए और गुरु जी को भूल के चले गए, लेकिन वो वृक्ष आज भी वही खड़ा हुआ है, वो आज भी वही आम दे रहा है, वो आज वही छाया दे रहा है और वह है डॉक्टर नारायण जी श्रीमाली सतगुरुदेव और वही स्वामी प्लांट। आज वो सारे भारत में वह फल का वृक्ष है, वो छायादार वृक्ष है, जो उसके तले जाता है वो शांति अनुभव जरूर करेगा, उसका चिंतन अलग है। तो एक मिनट बैठ के चले जाता है तो तुझे एक मिनट की छाया मिलेगी, तो उसके उस पेड़ के नीचे रहेगा, उस पेड़ का सिंचन करेगा, चिंतन करेगा तो तू दूसरा पेड़ लगा सकेगा, तो दूसरा पेड़ लगा सकेगा, तो वही साधना है। वो पेड़ वो छायादार वृक्ष और एक बनेगा और उसके इस प्रकार स्वामी निकेश्वर जी के वो वृक्ष जो छायादार है जो फलदार है वो आगे बढ़ते जाएंगे और उसका काम आगे बढ़ता चला जाएगा। हम वो कार्य करें, हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं, हम केवल आम लेते हैं चले जाते हैं, पेड़ के बारे में हमें लेना नहीं है। हम दूसरी बार आए और कोई सरफिरा आदमी हो तो उस पेड़ को काट के फेंक देता है, हम आगे देखते भी नहीं कि यहां एक पेड़ था, मैंने आम खाया था इस पेड़ का। इस परम पुण्य सतगुरुदेव जी इस गुजरात की धरती पर मैं समझता हूं दस आखिरी उनके जीवन के आखिरी शिविर भी यही हुआ था, उनके जीवन का आखिरी शिविर भी यही हुआ था, मैं इस बात को जानता हूं। ऐसी धरती है गुजरात, ऐसी धरती है अम्बा का शक्तिपीठ, यहां से चेतना जागृत होती है, चेतना चेतनावान होते हैं। हम गुरु से जुड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी भलाई ही हो तो वो गुरु है, हमारी बुराई ही तो गुरु नहीं है, ऐसा नहीं। जीवन में आप कभी भी याद रखो भगवान सूर्य है तो आपको एक बार अगर आप ठंडी के दिनों में है तो सूर्य है तो जाके सूर्य के भगवान के सामने बैठ जाते हैं और गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप को नहीं सहन करते हुए छतरी पकड़ लेते हैं, वो उस भगवान को हम सूर्य ही कहते हैं। कभी वो ताप देता है तो कभी वो गर्मी भी पैदा करता है, लेकिन उसका रहना वहां जरूरी है। वो सूर्य कभी दिन देता है तो कभी रात भी देता है, वो हमारे लिए भगवान है।
इंद्र भी भगवान है, कभी हर नदियां भगवान है, वही नदी जिसकी पूजा करते हैं पुष्कर में जाकर का स्नान करते हैं और बाढ़ आई तो हजार लोग उसमें बह जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये गुरु का नियम है, वो परीक्षाएं करता है, हम उसमें बह जाए या रुके ये हमारा कर्तव्य, हम किस तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार करता है। आप गुरु के प्रति जिस तरह प्रकृति आपके साथ, प्रकृति आपको साथ देती है, वैसा ही वो पुरुष जो गुरु नाम की प्रकृति है वो भी आपको उसी तरह साथ देता है। आप एक बात कभी भी याद रखो, आज आप छोटी सी एक पहली कक्षा में पढ़ रहे थे हो या तो दूसरी कक्षा में जाने के लिए आपको परीक्षा देनी ही पड़ती है। अगर परीक्षा नहीं देते हुए आपको डायरेक्ट दसवीं कक्षा ले जाए या बीए ले जाए, एमए ले जाए, तो आपके पास वो विद्या नहीं होती। बिना परीक्षा के आपको बीए का सर्टिफिकेट आता ही नहीं और एमए का सर्टिफिकेट आता ही नहीं, उसी प्रकार बिना परीक्षा की सिद्धि मिलती ही नहीं। परीक्षा चाहिए जीवन में, नहीं तो हर एक लोग लाइन में आईएएस बन जाते हैं, हर एक लोग एमए बन जाते हैं। आपको परीक्षा में पास होगा तब सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह गुरु भी आपके विद्याओं में सिद्धि की नाम की परीक्षा लेता है, तभी सिद्धि प्रदान करता है। आप परीक्षा में पास है या फेल है या आपके ऊपर आधारित है, वह तो विद्या सभी को एक कर देता है। एक क्लास में चार लोग दस लोग बैठे हुए हैं तो टीचर तो सभी को पढ़ाता है, एक बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता है, दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास, चौथा फेल भी हो सकता है। तो इसमें गुरु की गलती नहीं है, पढ़ने वाले की गलती है, आप साधकों की गलती है। गुरु विद्या तो सभी को दे रहा है, आप साधना ठीक कर रहे हैं तो सिद्धि आपको मिलेगी। और उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं, मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव से मैंने कोई शक्तिपात दीक्षा नहीं ली, केवल उनके पुस्तकों से साधनाएं करते हुए आगे बढ़ा, उनके चिंतन को लेकर हुए आगे बढ़ा और आज सामान्य जीवन से इस जीवन तक प्राप्त करते हुए गुजरात में आकर बैठा हुआ। मेरे जीवन के मेरे बचपन के मित्र भी हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा आदमी था। मैं बाहर जाने के लिए डरता था, कहीं बाहर चार लोगों में बात करने के लिए डरता था। आज भारत में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां मैंने प्रवचन ना दिया, कोई मेरे गुरु की कृपा है। हम गुरु की सत्ता को या गुरु की महत्ता को हम नहीं जानते। हम अगर उनके चिंतन को लेकर चलते हैं, अगर जिस आम के वृक्ष गुरु जी ने लगाए हैं उस आम के वृक्ष को खाने के बाद उसकी गुठली को अगर हम बो देते हैं तो हम साधक हैं, हम दूसरे आम के वृक्ष को लगा रहे हैं। और साधक की प्रकृति होनी चाहिए, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुरु से अगर आपने साधना ली है तो आप उस साधना का बीज दूसरी जगह बो तो आप और एक वृक्ष बढ़ेगा और एक छायादार वृक्ष बनेगा। गुरु जी कहा करते थे, एक संत के पास अगर अदृश्य होने की सिद्धि है, एक संत के पास अगर सोना बनाने की विद्या है, तो वह विद्या उसके साथ अगर खत्म हो गई तो वो उस विद्या किस काम। अगर वह विद्या दस लोगों को देता है तो समाज बदलेगा। और गुरु जी कहा करते कि विद्याएं हैं। हाँ, इतनी भी बात जरूर कहता हूं कि विद्या तुम आके ही प्रदान करने के लिए मैं कोई नहीं हूं, तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता हूं कि कहीं तुम उस विद्या का दुरुपयोग ना करो। और मुझे जब लगा कि आप चाहे अच्छा हो बुरा हो गुरु जी के प्रति समर्पित है, मुझे पता लगा कि है तो आपको विद्या जरूर दूंगा और जरूर दूंगा, इसमें सिद्धि है। मैं आज यहां भी नहीं कह रहा हूं, अभी आपके उससे पहले पंड्या जी आपके पास आए थे गुजरात में, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने सुना, वे भी बहुत मेरे गुरु भाई हैं, मेरे से भी सीनियर है, मेरे से भी बड़े हैं। मैं ये बात आपको इस मंच से कह रहा हूं कि वे बहुत बड़े सीनियर साधक हैं, मेरे से भी सारा गुरु से गुरु जी का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन जब वे मेरे पास आए थे, वशिष्ठ जी के पास मेरे पास आए थे, जब मैं उनका चिंतन उनका विचार देख रहा था, वे साधना के प्रति लालायित थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत साधनाएं की वशिष्ठ, मैंने बहुत साधनाएं की लेकिन मैं सिद्धियों को नहीं देख सका, मुझे मेरे मन को कई हृदय को ठेस लगा। ऐसे साधक जो गुरु जी के साथ अपना सानिध्य गुजारे, जो गुरु जी के साथ रहे और वो ये बात कहते हैं कि मैं साधनाएं मैं आज तक जीवन में करता रहा और मैं उन साधनाओं की सिद्धि नहीं देखता हूं, कहां त्रुटि हुई, गलती कहां हुई मुझे पता चला कि उनको सहायक कोई नहीं था, वे अकेले पड़ गए थे साधना में और उनके साथ को भी ऐसा आदमी कोई मिल जाता कि साधना में ये सिद्धि है तो आज वो मेरे से भी महान होते थे। मैं कहने के लिए लाज नहीं अनुभव करता हूं, मेरे से भी साथ महान सिद्धिदायक बन जाते थे। यहां गुरु की सहायता, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा प्राप्त करने के तरीके के लिए एक सहायक हमें जरूर चाहिए। कृष्ण थे तो उनके साथ सुदामा था,
राम थे तो लक्ष्मण उनके साथ था। ये क्यों साथ की बात कह रहा हूं मैं, यह एक विद्या का तत्व है। विद्या कभी भी दोनों के साथ बहुत अच्छी फुलती फलती है। विद्या अकेले में नहीं होती, साधना अकेले में नहीं होती, साधना में एक साधक ऐसा भी चाहिए जो योग्यतावान हो। वे अकेले पड़ गए थे, अकेले साधनाएं कर रहे थे, उनमें नैराश्य आ गया था। लेकिन जब वे मेरे पास आए, उन्होंने देखा जो कार्य मेरा हो रहा है, उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ये कार्य आपने किया है। मैंने कहा पंडित जी आप महान साधक हैं, आपने साधनाएं संपन्न की है, आपकी सारी साधनाएं आपके पीछे हैं, आप नहीं देख सक रहे हैं। आपको केवल अब वह चश्मा लगना चाहिए जिस चश्मे के साथ, जिस चश्मे से आप सूर्य को देख सकते हैं। बस चश्मा लगने की जरूरत है, सिद्धियां तो आपके पास ही खड़ी हुई। तो मैं अकेले का उदाहरण है, ऐसे साधक बहुत सारे हैं गुजरात में, ऐसे साधक बहुत सारे लोग हैं भारत में, वे आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। एक बात यह भी हो सकती है कि स्वयं में साधना, बहुत लोगों से ये भी कहते हुए सुनता हूं, गुरु जी जब मेरे कोई सिद्धि नहीं है मैं दूसरों को साधना के बारे में क्या बताऊं, क्या बताऊं। मैं कहता हूं साधना के बारे में कहने के लिए तुम नहीं कह रहे हो, मंत्र तंत्र ज्ञान की पुस्तक कह रही है, वो सारे पुस्तकें कह रही है जो आपके सामने पड़ी हुई है। ये प्रश्न आप ही के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी लोग, मैंने जैसा कहा कि मैं 86 से लेकर 93 तक दर दर भटकता रहा। गुरुजी ने इतनी परीक्षाएं ली कि जिसका कोई हद नहीं। मुझे याद भी, बहुत बार मैंने ये बात बताई, 3 जून 1993 का दिन था, मैं गुरुजी दिल्ली गया और गुरुजी के पास सामने बैठकर दो ही बातें गुरुजी से कही, गुरुजी या तो मैं आपका सामर्थ्य शिष्य बनकर जीऊंगा, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, लेकिन मैं असमर्थ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं असमर्थता से जीऊंगा ही नहीं। और उस दिन गुरुजी ने कहा कि जोशी तुम मेरे परीक्षा में पास हो गया है। और उस परीक्षा में जिस दिन उन्होंने मुझे पास किया, आज तक मैंने पलट के नहीं देखा है, सारा भारत मेरे पीछे चल रहा है, निखिल चेतना केंद्र के पीछे चल रहा है। मैं आपसे भी यही कहता हूं, हमारे में चेतना हो, हमारे में उस गुरुजी का चिंतन हो, हम उस लेकर आगे बढ़े, गुरुजी हमारे साथ हैं। हम मान अपमान के बारे में नहीं करें, कर्मण्येव वाचिका रस्ते महापुरुष प्रदर्शिना। मैं करने से पहले कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करूंगा, मैं निखिलेश्वरानंद जी का चिंतन लेके देश में ऐसा घूमूंगा, मैंने मेरा कभी चिंतन नहीं था। मैं एक ही चिंतन था, मैं साधनाएं करते जाऊंगा, बस साधनाएं करते रहा, मेरे साधनाओं के साथ लोग आते रहे। आज ये सारा विशाल जागरण आप देख रहे हैं, विशाल चैतन्यता आप देख रहे हैं। मेरे पीछे ऐसा कोई चिंतन नहीं था कि मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करता हूं, कर रहा हूं या करूंगा। मैंने केवल गुरु से पूछा था, गुरु जी एक साधना स्थल हो, ये देखो मैंने ये मैप लाया है, ये जमीन है, क्या गुरु जी मैं ये लूं। गुरु जी बोले तो वो मैप मुझे दे दे। मुझे याद भी आ रहा है बेंगलुरु में गुरु जी ने वो मैप मेरे पास से ले लिया था और कहा कि मैं सोच के बोलता हूं। बाद में एक महीने 1.5 महीने के बाद मैप लौटाते हुए क्या करे उसके ऊपर आज भी मेरे पास है, गुरु जी ने टिक करते हुए कहा था, सीनियर करते हुए तू यहां साधना स्थली बना दे। और वो आज साधना स्थली सारे भारत में मैं कह सकता हूँ शान के साथ, गौरव के साथ कह सकता हूँ कि निखिल स्वामी जी की कृपा है। आज निखिल चेतना के केंद्र के नाम से आगे बढ़ गए और उस निखिल चेतना केंद्र में जिस चिंतन को लेकर मैं चलता हूं, आज भी कहता हूं 1000 लोग आओ, आपको वहां साधना के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। आप कैसी भी साधना करो, चाहे काली करो, दस महाविद्या करो या कोई करो, आपको वहां कोई रोकने वाला नहीं है। और केवल साधना स्थली है और उन लोगों के लिए जो साधना के लिए लालायित है, जिनको छोटे से घर में बैठे हुए हैं और उनको साधना नहीं हो सकती। निखिल चेतना केंद्र स्थापना के पीछे मेरा एक ही चिंतन था कि ऐसे लोगों को साधना स्थली हो, और वो मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की, वही स्थापना निखिल धाम की। आज उसके ही अंश चाहे बहुत जगह बढ़ रहे हैं, बेंगलुरु में, चेन्नई में और चंद्रपुर में, नागपुर में और बद्री केदार में भी, और अमेरिका में भी निखिल चेतना केंद्र को रजिस्टर किया हूं। गर्व के साथ कहता हूं मेरे गुरुजी मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मैं सारे संसार में निखिल चेतना केंद्र की स्थापनाएं करूंगा, निखिल चेतना केंद्र के साथ निखिल मिश्रखंड चिंतन लेकर आगे बढ़ूंगा। और यह चिंतन आप भी लेकर आगे बढ़ो और बता दो कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी विद्या है जो दस महाविद्याओं से भी बड़ी महाविद्या है और जिसका प्रचार भी हमारे संसार को, हमारे भारत को सामर्थ्यवान बना सकता है। हर एक तीर्थ क्षेत्र में अपना अपना चिंतन होता है, हर एक तीर्थ क्षेत्र अपनी अपनी प्रसिद्धि लेकर बैठा हुआ है। एक बार मैंने इससे पहले ही बताया था,
रामकृष्ण परमहंस को एक आदमी ने पूछा था कि सारे विश्व में तो भगवान बैठे हुए हैं, हम तीर्थक्षेत्रों में कहीं किस लिए जाएं, तीर्थक्षेत्रों को किस लिए हम तीर्थक्षेत्रों का भ्रमण करें, गुरु जी आपके चरणों में ही सब कुछ है, हम इधर उधर कैसे जाएं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा आप चरणों में बैठे हैं ये बात सही है, विश्व में भी देवता है ये भी बात सही है। अगर हम गाय में भी 23 कोटि देवता है ऐसा हमारा कथन है, लेकिन आप कान को निचोड़ो तो दूध नहीं आता, दूध के स्थान को निचोड़ो तो ही दूध आता है, आप दूसरी जगह निचोड़ो तो पानी आता है, इसलिए क्षेत्र अपनी महिमा लेकर बैठे हैं। 23 कोटि देवता होने पर भी गाय को नमस्कार करने पर भी दूध चाहिए, क्षेत्र को ही आपको निचोड़ना है तो दूध आएगा। उसी तरह हर क्षेत्र दूध का क्षेत्र अलग है तो गोमूत्र का क्षेत्र अलग है तो गोमय का क्षेत्र अलग है, और ये हर चीज भी मनुष्य के लिए प्राप्त मनुष्य को होना चाहिए। उसी तरह अम्बा शक्तिपीठ भी एक ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य को चेतनावान बनाने की प्रक्रिया करता है। हम अम्बा शक्तिपीठ में कल जो साधना करेंगे या उत्कंठेश्वर महादेव में जो साधना करेंगे वहां योगियों ने आज नहीं कब की बात कर रहा हूं, जो सती पहली थी माता पार्वती जी से भी पहले, पार्वती जी तो सती जी का बाद का अवतार है, माता पार्वती का सती जी तो उससे पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनके वो शक्तिपीठ है। तो वैसी माँ का अगर हृदय वहां गिरता है तो वो भारत का गुजरात का हम भारत का हृदय गए तो कुछ कमी की बात नहीं। हम कल उस शक्तिपीठ में जाकर जिस साधना को कर रहे हैं और आज के दिन पाणी ग्रहण महोत्सव हो या जन्मदिन महोत्सव हो ये कारण है बहाना गुजरात आने का या वशिष्ठ जी को बुलाने का, वशिष्ठ जी यहां बुलाने का, वे अगले दूसरे दिनों में भी बुला सकते थे लेकिन कारण बनाया गुरु जी आपका जन्मदिन मनाना है, और मैंने भी कारण बनाया मुझे अम्बा शक्तिपीठ देखना है। चलो दो भी काम, उनका भी उधर हुआ, मोक्ष हुआ और स्व कार्य भी हुआ और पर कार्य भी हुआ, दो भी हुए इस कार्य से लेकर यहाँ आ गया। मैं आपसे यही कहता हूं कि मेरा आखिरी चिंतन यही है कि हम क्षेत्र की महिमा, हमारे हर क्षेत्र अपने अपने स्थानों को, चाहे कामाख्य शक्तिपीठ हो, चाहे द्वादश ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अष्टादश शक्तिपीठ हो, या फिर कोई हम जो भी आराम है, जहां जहां भी हम पंचभूतेश्वर लिंगों की स्थापना हुई है वहां एक तरह की ऊर्जा है, हम उसका ज्ञान नहीं जानते हैं इसलिए हम वहां कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा मिनिस्टर का घर है और हम अगर उस घर में अभी कोई पता नहीं है तो उस घर में हम जाते हैं तो हमें हकार दिया जाता है। एक बड़े घर में हम जाते हैं तो हमें अगर उस घर में कोई पता नहीं तो हकार दिया जाता है, उस घर का कोई नाम, एक छोटा सा भी उस घर के आदमी का नाम पता हो तो हम उस घर के आदमी के पास पहुंच जा सकते हैं, कहते हैं कि भाई फलाना आदमी यहाँ काम करता है ना वो मेरा दोस्त है, और वो दोस्त कहेगा कि मैं तुझे पहचानता हूं तो हमें उस घर में पहचान करके उस घर में घुसने की शक्ति होती है। तो हम अगर अम्बा शक्तिपीठ में जा रहे हैं तो शक्ति के पीठ के बारे में नहीं जानते हुए जाते हैं तो हम नारियल फोड़ के आ जाएंगे, हम फूल का हाथ चढ़ा के आ जाएंगे, वहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं, ना अम्बा बात करेगी ना अम्बा से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। हर क्षेत्र में महिमा है लेकिन उसको पुकारने की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए, उस घर के यजमान को टटोलने की शक्ति हमारे में आनी चाहिए, उस शक्ति को जानकार करने की शक्ति हमारे में आनी चाहिए, तब वो शक्ति हमारे से बात करेगी, हमें कहेगी कि आओ घर में बैठो, आप पानी पियो और अपने अपने साथ कहेगी, वो चाहे भगवान का घर हो या चाहे किसी महान आदमी का घर हो, हमें पहचान निकालनी है और पहचान निकालने के लिए उस तत्व तक पहुंचना है। हम अम्बा शक्तिपीठ जा रहे थे यूं ही नहीं जाना चाहिए, हम उस तत्व को पहचान कर अगर गए और वहां हम माँ अम्बा को पुकार सकते हैं तो अम्बा हमारे से बात करेगी कि यह मेरा पहचान वाला व्यक्ति है, और यह तत्व जब तक नहीं जानते हम कहीं किसी कितने मंदिर भी जाओ कितनी तीर्थ यात्रा हो जाओ कोई फल नहीं मिलेगा। आपको पता है बहुत सारे लोग, मैं जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं वो लोग किस तरह आते हैं, अरे भाई मैं तिरुपति गया था और क्या सोने का मंदिर है भाई, बहुत तो घी वाला लड्डू देते हैं वहां खाने के लिए, वैष्णवी देवी गया था वहां फलाने आदमी ने अन्न का भंडारा लगाया हुआ है, वो बात करेगा तो भंडारा खाने की नहीं तो वो अच्छे अच्छे बिल्डिंग की या एसी रूम है वहां रहने के लिए या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है यही बात करता है, लेकिन शक्तिपीठ की बात नहीं करेगा कि माँ वैष्णवी वहां क्यों बैठी हुई है। हर एक आदमी तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो बस आपको यही बात बताएंगे कि वहां अच्छे रूम्स बने हुए हैं, एसी रूम है, खाने का इंतजाम है, हेलीकॉप्टर में जाने के लिए जगह है। अरे तुम किस लिए गए हो, वैष्णव शक्ति क्या है, किस लिए वैष्णव माता के पास जा रहे हो, वैष्णव शक्ति माता की तारीफ नहीं करेगा, वो वहां के अतराफ के कार्यक्रमों की तारीफ करता है, बहुत अच्छे पहाड़ पहाड़ तो हर जगह है, हमें उस शक्ति का ज्ञान नहीं है जहां हम जा रहे हैं, जिस
जिस शक्ति के कारण वहां उतने हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जिस शक्ति के कारण उतने महल खड़े हुए हैं, जिस शक्ति के कारण उतना सब कुछ सहूलियत प्राप्त हुई है, यह ज्ञान हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं वहां जो हुआ। हमें वो ज्ञान होना चाहिए कि वो किस तत्व से वहां वो सारी चीज, उस जंगल में भी उतना महल या उतना स्वर्ग बना हुआ। साधना के बारे में आज मेरे साथ गुजरात के बहुत सारे लोग मिले, पहले भी मिले थे, आज भी मिले। तो वशिष्ठ जी बता रहे थे, गुरु जी क्या बताऊं, बोले क्या, मैं बोला क्या बात हुई, बोले सबको यही दिक्कत है। आप चाहे कुछ भी हो, पैसे वाला है तो और दो पैसे जोड़ने की बात करता है, और बोले मैं इससे तंग आ गया हूं। मैं बोला क्यों, आप क्यों तंग आ गए हैं, बोले क्या बताऊं, बोले सब लोग आता है तो बोले वैसे आपको उसके पास करोड़ रुपए का घर है, बोलता अभी गुरु जी बस एक दो डोर और दो कार लगानी, ये करोड़ का घर है और दो कार चाहिए। वशिष्ठ जी बोले उसको दो कार भी दिला दिया हूँ, दो कार लेके आया। बोले गुरु जी वो मैं मारुति 800 लिया था, ओमनी है, अभी बड़े टोयोटा आ गई है बड़ी कार, ये मारुति में चलते हुए जरा गर्मी लगती है, इस कार में नहीं जाना होता, टोयोटा हो तो अच्छी है। अब वो टोयोटा के लिए परेशान है, और वशिष्ठ जी से आगे पूछ रहा है कि कोई साधना हो तो बताओ टोयोटा करूंगी। अब वो तो तंग नहीं हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अभी टोयोटा कार के लिए कौन सी साधना बताएंगे वो। तो इस तरह अगर हम हमारी साधनाओं का उपयोग हमारे पास है उसके लिए और भी करते गए, हम ये नहीं सोचते कि मेरे पास गाड़ी है तो दूसरे के पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल पे जा रहा है तो उसको स्कूटर अगर खरीदने के लिए वशिष्ठ जी साधना बोलते हैं तो वो आदमी बढ़ेगा, लेकिन हम वो बात सोचते नहीं, हम हमारी बात सोचते हैं कि हमारे को कार नहीं आए, हमारे को BMW आनी चाहिए। अब वो क्या करें, कहां से साधना बताएं। लेकिन फिर भी उनके कहने पर, वशिष्ठ जी के कहने पर एक छोटा सा टोटका बताऊंगा मैं आपको एक बात बताऊं, ये टोटका एक बार मैंने इसी तरह गया में बताया था, ये टोटका थोड़े ही लोग साधक बैठे हुए थे और उनको ये टोटका बताया था कि जब कभी अगर हमारे को ऐसे हमारे शरीर पर मोहब्बत आ जाए कि हमारे को कल ही पैसे देने की जरूरत पड़ती है, हम कर्जे में हैं और हमें पैसा प्राप्त नहीं होता, तो किस तरह हमें पैसे आने का कोई मार्ग प्राप्त होता है। ये कोई चोरी का मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक साधना है। एक साधना है, अगर आप दोपहर के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो, एक छोटी सी हंडी में 7 मिर्च, 7 केले, 7 नमक की दलिया और 7 मिठाई रखते हुए, 2 मधुरूपिण रुद्राक्ष रखते हुए, अगर उसको चौरस्ते पर चौराहे पर रखते हैं और उसके अगर आप पानी घुमाते हुए एक दिया लगा के आते हैं, आप देखो 24 घंटों में आप जो पैसा चाहते हैं वो मिलेगा। फिर इसके पीछे ये मत पूछो कि गुरु जी ये क्या कारण हुआ, इसके साथ पैसे का क्या कारण है, यही इसे ही तंत्र कहते हैं, इसे तंत्र कहते हैं। अगर ये तंत्र करके देखो और आपको 24 घंटे में पैसा नहीं आया तो मुझे गलत कहना या गुरु जी को गलत कहना, आप नहीं आना, मैं भी सभा में डूबा नहीं आऊंगा। साधनाएं हैं, साधना करने का विधान आना चाहिए, बताने का विधान आना चाहिए। अगर हम साधनाएं करते हैं तो साधनाओं के मार्ग से चाहे तारा हो, आपको पता होगा कि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग आज भी ये बात से चिंतित है, ये बात पूछते हैं कि जोशी आश्रम में आने वाले लोगों से पैसा नहीं देता, फ्री में खाना खिलाता है, फ्री में रहने देता है और दूसरे शिविर में पैसे नहीं देता, दीक्षा लिए तो पैसे नहीं लेता, ये अकेले चलाता है तो कैसा चलाता है, ये उनका प्रश्न है। और वो लोग आने जाने वाले सभी लोगों को पूछते देते हैं, तुमने जोशी को कितना पैसा दिया आश्रम बांधने के लिए, तुमने जोशी आश्रम कैसा बांधना है, उनका चिंतन है, क्या करेंगे, वो बेचैन है, मैं आश्रम बांधना हूं इसलिए नहीं कि इसको पैसा कहां से आता है। मैंने उनके सामने पुस्तक रख दी, गुरुजी ये तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक है, इसमें गुरुजी ने कहा है कि तारा साधना करो तो आपके सर के नीचे तारा धन रखती है, स्वर्णावती साधना करो तो आपको धन प्रदान करती है अप्सरा, आप नील सरस्वती की साधना करो तो आपको धन प्रदान करती है, लक्ष्मी की षोडश लक्ष्मी साधना है तो आपको धन प्राप्त होता है, ऐसे गुरुजी ने हजारों किताबें लिखी हुई है। या तो उनकी किताबें गलत रहनी चाहिए, या तो अगर किताबें सही है तो मैं जैसा आदमी आश्रम बनना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, पैसे आता ही आता है। और मैं आपको कहता हूं कि साधना के बल पर ही मैंने आश्रम बनाया और साधना के बल पर ही आज आश्रम चला रहा हूं। आपको भी कहता हूं कि साधनाएं करके देखो,
आप उन सारी चीजों की उन सारी समस्याओं, लेकिन एक बात कहता हूं, आप बीज बोते ही पानी डालते ही फल की आशा करते हो, ये गलत है। बीज बोओगे पानी डालोगे तो वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, वृक्ष बनेगा तो फूल लगेंगे तो उसको फल लगेंगे, लेकिन आप वृक्ष बनने से पहले ही तोड़ देते हो उसे, बकरी खा जाती है, उसकी रक्षा नहीं करते। बकरियां आपके पीछे ही है, आपके बाजू में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ, गुरु जी मैं साधना करता हूँ, मेरी पत्नी साधना नहीं करने देती। पत्नी कहती है, गुरु जी मेरे पति साधना नहीं करने देता, और दूसरे कहते हैं मेरा पुत्र साधना नहीं करने देता। ये सब वही आपके वृक्ष को खाने वाली बकरियां हैं या आपने खाने वाले, आपको साधना करने नहीं देती, उसकी रक्षा अपने आप को कर लेती। और जब तक आप उस वृक्ष को बढ़ाएंगे नहीं, उसकी साधना की रक्षा नहीं करेंगे, वृक्ष बढ़ेगा नहीं, फल देगा नहीं। और मेरे बाजू में जो बकरी बैठी है उसने कभी खाया नहीं, वो पानी डालते रहे, इसलिए आज मैं फलदार वृक्ष बनते हुए आपके सामने खड़ा हूं। और आपको चाहता हूं कि आप भी वैसे ही बने, एक को एक सहायक हो, आप देखें कि आपके जीवन में आप भी ऊर्जावान बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं, साधना मैं बन सकते हैं, साधना को ऊर्जा से आगे बढ़ाने वाले बन सकते हैं। ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं जो हम साधना के बल पर ना प्राप्त कर सके। साधना के बल पर हम हमारी संसार में, आपको पता है गुरु जी ने बहुत बार ये बात कही थी कि केवल साधना के बल पर ही इस संसार में, काशी में हो, सोने के दरवाजे बनाए जाते हैं, भारत के माध्यम से हो या स्वर्ण तारा के माध्यम से हो या लक्ष्मी साधना से हो, क्या ये साधनाएं हैं? तो मैं कहूंगा है। मैंने ऐसी साधनाएं भी की है जो केवल पानी पर दिया जाता है, 7 दिन में 5 बूंद केवल जीभ पर रखते हुए खड़े होकर 11 दिन की साधनाएं मैंने संपन्न की, और मैंने देखा है कि साधनाओं में स्थिति है। साधना जैसे ही करता हूं हम मुझे फल जरूर मिलता है, वो चाहे कितनी भी कठिन समस्या हो। साधनाओं का विधान हमें आना चाहिए। हम घंटे घड़ियाल बजाने से कुछ नहीं प्राप्त होता। हम बहुत बार कहते हैं, मैंने भी बहुत बार कहा है, एक जाता है तिरुपति और सर का मुंडन कर लेके आता है, मैं तिरुपति जाके आया, मुंडन कर लेके आया, बहुत अच्छा होगा। दूसरा जाता है सर, तिरुपति जाते जाते अंदर ही खत्म हो जाता है, क्यों? एक को मुंडन करने से प्राप्त होता है, एक जाते जाते मर जाता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो वो उसकी धारणा और इसकी धारणा में फर्क है, कहीं ना कहीं गलती है। 1000 लोग जाकर अगर वहां से फल अनुभव करते हैं और 2 आदमी मर जाते हैं, तो हम 2 आदमी का उदाहरण लेना नहीं चाहिए, वो गलत हो सकते हैं। आज आप 1000 बार कहो, मैं एक बार जरूर कहता हूं, आप गुरु जी की साधनाएं करके देखो, गुरु जी की साधनाएं करके देखो। तो मुझे बहुत बार एक ऐसे ही भंडारा में साधक थे, वो आए, आते हैं, उन्होंने कहा गुरु जी बहुत गुरु जी की साधनाएं किया, लेकिन क्या करूं, मेरे को असल कोई ये नहीं करता था, लेकिन आजकल गली में जाते जाते सब लोग मुझे कोसते हैं, साला कुछ काम नहीं करता, कभी भी वो साधनाएं बोलते बैठा होता है, पुस्तक लेके घूमता है, मंत्र तंत्र विज्ञान लेके घूमता है, ये कुछ काम नहीं करता, ऐसा नहीं करता कहता है। और वो वहां नहीं कहता, जाके पूरे गाँव में बता दिया मेरा नाम कि मैं केवल साधनाएं करता हूं। मतलब बिन बैठे बिन किए तेरा प्रचार हो गया, जे तेरे कल तक कोई नहीं पहचानते थे, आज देख तेरे को पहचान रहे हैं कि कम से कम साधनाएं तो नहीं करता, कितनी वशीकरण सिद्धि है तेरे पास, साधना की में कितनी वशीकरण सिद्धि है, जो लोग कम से कम तेरे पहचान रहे कि ये साधक ये साधनाएं करता है। कल के दिन तू अगर यही साधना करते इसी तरह करते रहा, सफल हो गया, तो यही लोग कहते हैं कि ये साधना करता रहा, साला आज कितना बड़ा हो गया। तो तू साधनाएं करता है तो लोग तेरा चिंतन जरूर करेंगे, ऑटोमेटिक वशीकरण और सम्मोहन सिद्धि आएगी। तो ऐसा मत कर, साधना अपनी जगह साधना खड़ी है, लोग तेरे बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और लोग तेरे प्रति आकर्षित होते हैं, वो चाहे भले हो या बुरे। कृष्ण थे तो सारा मथुरा, सारे 5 पांडव उनके ऊपर आकर्षित थे, तो 100 कौरव उनके अगेंस्ट में भी थे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सके, वो भी साधक था। क्या भीष्म साधक नहीं थे? द्रोणाचार्य साधक नहीं थे? अश्वत्थामा साधक नहीं थे? वो कौरवों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन कृष्ण का चिंतन वो भी करते थे। ऐसा तुम्हारा भी चिंतन करेंगे, साधना है तुम करते रहो, तुम्हारी पहचान संसार में बनेगी, और एक बार पहचान बनी, तुम सामर्थ्यवान हुए, तो लोग तुम्हें आकाश में लेकर देंगे, तुम्हारी पूजा करके तुम्हें हम मालूम फूलों की हार, फूलों का हार पहनाएंगे। चिंतन तो होगा, पहचान तो तुम्हारी होगी, तुम केवल तुम्हारे गुरु के सान्निध्य में गुरु पर विश्वास करते हुए, गुरु की कही हुई बातों पर साधना करते हुए आगे चले, आगे बढ़े।
तत्व को समझें। किसी ने ऐसा ही पूछा, गुरु जी आप बार बार कहते हैं कि विश्वास करो विश्वास करो, कहां से विश्वास करते हैं? मतलब तुम्हें विश्वास का अर्थ नहीं जानते बेटा, तुम जहां श्वास है वहीं विश्वास है, और श्वास तुम्हारा हरदम चलते ही रहता है, उसे कोई रोकता नहीं। श्वास है तो विश्वास जरूर है, श्वास नहीं है तो विश्वास की बात ही पैदा नहीं होती। और श्वास का और विश्वास का क्या संबंध है? नम्र है तो विनम्र है, नम्र क्षण के लिए होता है और विनम्र कंटिन्यूस होता है। श्वास आज चलता है, विश्वास रहने वाला विश्वास रखने वाला संसार भर में याद किया जाता है। हम उस विश्वास के बाद विश्वास को जगाएं, हमारे समर्पण करें हमारे गुरु के प्रति, हमारे श्वास को गुरु के प्रति जगाएं, हमारे श्वास में गुरु का नाम हो, उसे विश्वास कहा गया। वहां यह ना सोचे कि मेरा कल क्या होगा, कल क्या होगा तुम छोड़ दो, कल तो गुरु संभालेंगे, उन्हें दे दिया है तुम्हें, अपने आप तुमने उनको सौंप दिया है, मरेंगे तो नहीं, वो मरने तो नहीं देगा, वो तारेगा जरूर। बहुत लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है, गुरु जी आपकी परीक्षा की हद ऐसी होती है कि नाक तक पानी आ जाता है और लगता है कि कल डूब जाऊंगा, तब उबारते हैं, बाल पकड़ के ऊपर करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। और ये जो प्रक्रिया हर बार होती है, ऐसा होते होते ये होता है कि गुरु जी मैं पकड़ू, मैं डूबू या चले जाऊं, और आप हर बार खींचते खींचते बाल पकड़ के खींचते हैं, एक बार ऊपर आता हूं सांस लेता हूं थोड़ी देर, फिर डुबा देते हैं, फिर खींचते हैं फिर डुबा देते हैं, और उसके बाद में मुझे आदत पड़ जाती है कि डूबने से मैं डरता नहीं, क्योंकि आप मुझे बाल जरूर ऊपर खींचेंगे, जब ये विश्वास हो जाता है तो डुबारेंगे जरूर। तुम इस विश्वास में जब आ जाते हैं कि मैं वो उबारने वाला है, मैं अभी डूबा तो भी वो पकड़ेंगे मेरे बाद, ये जब विश्वास आ जाए तो डूबोगे नहीं, वो तुम्हें उबारेगा जरूर, और इस विश्वास को आने तक वो तुम्हें डुबाते रहेगा। कि तुम जब तक कहो कि मैं इन्हें पहचानता हूं, वो मुझे डूबने नहीं देंगे, ये विश्वास जिस दिन हो गया उस दिन आप डूबेंगे नहीं। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जैसे महान व्यक्तित्व जिनने साधनाओं की परंपरा को चलाया है, साधनाओं अलग को जगाया है, ऐसे प्रभु के प्रति हमारा विश्वास होना, हमें राम बनने की प्रक्रिया या कृष्ण बनने की प्रक्रिया जिन्होंने सिखाई है, उस साधनाओं के बल पर इस गुजरात की धरती पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सारे संसार को बदल सकते हैं, ये मेरी धारणा है। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस संसार में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति समर्पण ही हमारा सबसे बड़ी साधना है। अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं तो हमें आगे कुछ करना नहीं है, सब काम गुरु ही संभालेंगे। हम वो समर्पण नहीं है हमारे पास तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा गुरु ने कहा कि अगर आप कमरे में बंद हैं तो सूर्य भगवान आपको रोशनी नहीं दे सकते, आप कमरे से बाहर आओ तो आप पापी भी हो तो रोशनी देंगे जरूर, वैसे ही आप गुरु चरणों में आओ तो आप कितने भी दुखी भी हो तो गुरु आपको उबारेगा। लेकिन अगर अपने आप को आप गुजरात में ही रख लेते हैं और कहते हैं कि गुरु जी मेरे पास आए, ये गलत बात है, आपको भी गुरु के पास एक बार जाना होगा, वो जरूर अपनी रोशनी आपके ऊपर डालेंगे और आपको आपकी रक्षा करेंगे। ये विधान हमें आना चाहिए, हम गुरु के पास जाते रहना चाहिए। शिष्य का अर्थ गुरु जी बता देते कि गुरु के समीप होने की प्रक्रिया को शिष्यता कही गई है, अपने सिर को गुरु के चरणों में लगाने की प्रक्रिया को शिष्यता कही गई, गुरु के वचनों को जानने की प्रक्रिया को शिष्यता कहा गया है। हम एकलव्य जैसे बने, हम सुदामा जैसे बने, हम लक्ष्मण जैसे बने तो राम हमारे साथ हैं। आपने देखा है कभी सुदामा ने भी कहा था कि हे कृष्ण तू बहुत पूजनीय है तो मैं भी पूजनीय बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ तेरे बराबर का हूं। तो अगले जन्म में वही सुदामा शंखचूड़ नाम के एक राजा हुए और जिनकी पत्नी हुई वृंदा, यह भी एक कहानी। वैसे ही राम के जन्म में लक्ष्मण हुए जो छोटे भाई बंदर हुए, तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण तूने मेरी बहुत सेवा की है, अगला जन्म अगर जब होगा तो तू बड़ा भाई होगा, मैं छोटा भाई होगा। और यही बलराम श्री कृष्ण लक्ष्मण बलराम हुए और भगवान छोटे भाई श्री कृष्ण हुए। तो भगवान या गुरु आपकी शिष्यता आपकी समर्पिता आपका समर्पण कभी नहीं रखते थे, वो आपका ऋण जरूर चुकाते हैं। आप केवल साधना करने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, साधना करने का विधान आपको आना चाहिए, समर्पित होने की प्रक्रिया आप में आनी चाहिए। गुरु आपका ऋण कभी नहीं रख लेते, वो हर एक छोटे से छोटा ऋण भी चुका देते। हम गुरु का चिंतन करने के लिए नहीं है, हम गुरु के प्रति समर्पित होने वाले शिष्य होने चाहिए। मैं
इस अम्बा शक्तिपीठ में हो या उत्कंठेश्वर महादेव जी के पास हो, जिस साधनाओं को ऋषियों ने किया था और जिन्होंने फल पाया था, जो संसार के प्रसिद्ध हुए, चाहे विक्रमादित्य महाराजा हो, परशुराम जी हो, भगवान परशुराम जी हो, ऋषि अगस्त हो, माँ लोपामुद्रा हो या माता अनुसुईया हो, जिन्होंने वहां साधनाएं करते हुए इस स्त्री के सतीत्व को और महान होकर बताया था, वही साधनाएं कल अम्बा शक्तिपीठ में हो और उत्कंठेश्वर महादेव जी के पास मनाने के लिए ही आया हूँ। और आते आते मार्ग में बड़ौदा पड़ता है और बसु जी का आह्वान था, आप सभी का आह्वान था, यहाँ आया और बैठा और आपको ये चिंतन आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरा सही उद्देश्य यह था कि माता की उस चेतना को जागृत होते हुए उनकी ऊर्जा को मैं ग्रहण कर सकूँ।